बिहार विधानमंडल का तीसरा दिन और पूरा दिन हंगामे की भीड़ चढ़ गया। राबी देवी धरने पर रही तो सभापति ने 5 विधान पार्षदों को निलंबित कर दिया। तमाम लोग आरजेडी से जुड़े हुए थे। नमस्कार, मैं हूं रोहित कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बिहार विधान परिषद से, जहां सेकेंड हाफ में राबी देवी धरने पर बैठ गई और उसके बाद आखिरकार सभापति को अपने निर्णय से यू टर्न लेना पड़ा। पूरा मामला क्या है आपको बताते हैं। सबसे पहले आज सुबह की बात करें तो बिहार विधानसभा और विधान परिषद में विपक्ष की तरफ से नीतीश कुमार, सुशील मोदी और केंद्र सरकार के साथ साथ सीबीआई को लेकर के विपक्ष का हंगामा चलता रहा। पहला जो सत्र था, यानी जो फर्स्ट हाफ था, उसकी पूरी कार्रवाई नहीं हो पाई, हंगामे की वजह से स्थगित करना पड़ा। दोपहर बाद जब दोबारा से कार्रवाई शुरू हुई तो उसके बाद भी जो विपक्ष है उसके तेवर नरम नहीं पड़े। आज बिल्कुल जिस तरीके से कल विधान पार्षदों ने साफ तौर पर कहा था कि बिहार के अंदर में जो तीसरा दिन होगा वो संग्राम का दिन होगा, यानी कि आड़ पार के मूड में पूरी तरीके से जो विधान पार्षद है विपक्ष के वो पहुंचे थे। आज राबी देवी जब सुबह पहुंची तो सीबीआई की को लेकर के उन्होंने चर्चा की, मांग की कि किस तरीके से लालू यादव को फंसाया गया जानबूझ करके। उसके बाद सदन के अंदर में बिहार सरकार के जो मंत्री हैं विनोद नारायण झा, उन्होंने उनकी तूतू मैम हो गई राबी देवी के साथ में, लालू लीला जो किताब सुशील मोदी ने लिखी है उसकी उसको भी सदन के अंदर में लहराया गया। आरोप प्रत्यारोप का दौर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में देखने को मिला। उसके बाद राबी देवी जब बाहर निकली तो संजय मयूख जो कि एमएलसी हैं बीजेपी के, वो उनके सामने पड़ गए और उन पर भी राबी देवी ने जो अपना गुस्सा है वो उनके सामने जाहिर कर दिया। इसके बाद क्या कुछ हुआ ये बताते हैं आपको। उसके बाद जब दोबारा से कार्रवाई शुरू हुई सेकेंड हाफ में, उसके बाद जो घटनाक्रम है इस तरह से हुआ कि बीजेपी के एमएलसी हैं रजनीश कुमार, उनकी जो है तूतू मैम हो गई राबी देवी के साथ में। उसके बाद जब ये तमाम लोग दोनों को समझाने का दौर चला, कुछ लोग जो है वो बेल में आ गए आरजेडी के जो एमएलसी थे और उन लोगों ने कार्रवाई की मांग की रजनीश कुमार पर। राबी देवी ने तो यहां तक कह दिया कि रजनीश जो है वो सभापति की कुर्सी पे बैठ क्यों नहीं जाते हैं, क्योंकि वो सदन को अपने हिसाब से चला रहे हैं। उसके बाद सभापति ने आरजेडी के 5 जो विधान पार्षद हैं उनको जो है पहले तो आज दिन भर के लिए और उसके बाद फिर 2 दिनों के लिए निलंबित कर दिया। फिर क्या था, राबी देवी सदन के बेल के अंदर धरने पे बैठ गई तो तेजस्वी यादव जो हैं वो दूसरी तरफ यानी कि विधानसभा के गेट पर धरने पे बैठ गए। इस तरीके से पूरा घटनाक्रम चला। आखिरकार जो सभापति हैं हारून रशीद साहब, उनको अपना जो निर्णय है वो वापस लेना पड़ा। उन्होंने जो 5 विधायक जिनको पूरी इस शीतकालीन सत्र की जो पूरी कार्रवाई थी जिसे उनको बाहर रखा गया था, उस फैसले से यू टर्न लेना पड़ा। आखिरकार जो राबी देवी हैं उनकी जीत हुई और जो विधान परिषद के सभापति ने जो फैसला दिया था उनको अपने निर्णय से पलटी मारनी पड़ी।